नमस्कार दोस्तों, द डिजिटल इन्फोचैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश चालू हो चुके हैं। यदि दोस्तों आप मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी या बीकॉम 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में यदि बीए, बीएससी, बीकॉम में अपना एडमिशन करवाना है तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, ऐसी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर दोस्तों आपको सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिशन फॉर्म यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोफेशन पीजी कोर्सेज सीजन 2022-23 लिखा देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके नीचे आपको पहली ही लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म यूजी फर्स्ट ईयर न्यू स्टूडेंट जुलाई 2022। तो दोस्तों जुलाई 2022 में एडमिशन चालू हो चुके हैं और आपको यहां पर एडमिशन की डेट की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट देखने को मिल जाती है। स्टार्ट डेट दोस्तों 6 अगस्त 2022 से एडमिशन चालू हो चुके हैं एमपी भोज में फर्स्ट ईयर के, और दोस्तों 31 अगस्त 2022 तक यह चालू रहेंगे, यानी कि अंतिम तिथि है 31 अगस्त एडमिशन के लिए। तो दोस्तों यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप यहां पर अपनी कोर्स डिटेल को फिल करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्स नेम बताना होगा, यानी कि आपको क्या करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करना है आपको यहाँ पर दिए गए कोर्सों में से सिलेक्ट कर लेना है। यदि दोस्तों आप बीए करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट करें, और बीएससी करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस करें। यहाँ पर दोस्तों यदि आप बीए सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांच नेम में दोस्तों आपको यहाँ पर प्लान सेलेक्टेड देखने को मिलेगा, और दोस्तों यदि आप यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद दोस्तों आपको ब्रांच नेम यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप। यदि दोस्तों आपने 12वीं अपनी मैथ से की हो तो आप यहाँ पर मैथ ग्रुप में जा सकते हैं, और यदि आपने बायो से की है तो बायो ग्रुप में यहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना कोर्स नेम और ब्रांच नेम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कोर्स एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें दोस्तों यदि आपने 12th पास की है तो यहाँ पर आपको 10+2 विथ बायोलॉजी, 10+2 प्लस बायोलॉजी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आज यदि दोस्तों आप मैथ सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बायोलॉजी की जगह पर मैथमेटिक्स लिखा देखने को मिल जाता है। कोर्स एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रीजनल सेंटर नेम देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों रीजनल सेंटर में जो भी सेंटर आपके नज़दीकी हो या फिर जिस सेंटर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सतना के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्टडी सेंटर नेम भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जिस भी स्टडी सेंटर में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम आपके स्टडी सेंटर में ही होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी स्टडी सेंटर देखने को मिल जाता है आपके नज़दीक में आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर योग्यता विवरण बताने हैं, यानी कि लास्ट में आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है वो बताना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पास का देखने को मिल जाता है, 12th क्लास का ही ऑप्शन है आपके पास, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से अपनी 12th क्लास पास की है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास CBSE, MP बोर्ड या अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप MP बोर्ड से हैं तो आप MP बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका MP बोर्ड का रोल नंबर इंटर करना है और ईयर पासिंग बताना है कि कौन से सन में आपने अपनी 12th पास की है, उसको वेरीफाई करना है वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके। जब दोस्तों आपके यहाँ पर मार्कशीट वेरीफाई हो जाती है उसके बाद दोस्तों आपको आपके यहाँ पर मैक्सिमम नंबर बताना है, यानी कि आपका टोटल नंबर कितना है। जो जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं तो आप यहाँ पर 500 लिख सकते हैं, और दोस्तों आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को आपको ऑप्टेन मार्क में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टूडेंट टाइप सिलेक्टेड रहेगा, कोर्स टाइप यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडमिशन टाइप देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्टेंट मोड रेगुलर इस तरह पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी ये रेड कलर से स्टार लगे हुए हैं वो डिटेल आपको फिल करना ज़रूरी है। यदि वो डिटेल आप फिल नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। बाकी यदि कोई जानकारी आपके पास नहीं है और स्टार नहीं लगा है कोई कॉलम है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपको फिर यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना माध्यम बताना है, किस माध्यम से आपने ट्वेल्थ या फिर अपना आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश में करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण देना है, जिसमें कि दोस्तों आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताना है, उस नाम को आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिखना है, और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको जेंडर बताना है, आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आपने शादी की है या नहीं की है, यदि शादी हो गई है तो आप मैरिड करिए और शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फादर का नाम बताना है, यदि दोस्तों आप कोई औरत हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मदर नेम इंटर करना है और आपको आपकी कैटेगरी बताना है, यानी कि आप OBC हैं, SC, ST या फिर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आप UR सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है, और इसके बाद हैंडीकैप्ड हैं, यदि आप दोस्तों विकलांग हैं और आप अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाकर इस फॉर्म को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वरना आप नो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको हैंडीकैप के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर रिलीजन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कौन से धर्म से हैं तो उस धर्म को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। धर्म में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने धर्म का चयन करें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एरिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक रूरल और एक अर्बन, यानी कि दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल ऑप्शन सेलेक्ट करें, और दोस्तों यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड डिटेल देनी है, यानी कि दोस्तों यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप बेरोजगार हैं तो अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस और पते का विवरण बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपका फुल एड्रेस देना है। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर होम नंबर या विलेज का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें, यहाँ पर आप अपनी तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इंटर कर सकते हैं, और दोस्तों यदि आपका परमानेंट पता भी सेम है तो उसी डिटेल को आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल ID, तो दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस ID नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल करनी होगी। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है। बैंक डिटेल में दोस्तों आपको बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अकाउंट होल्डर नेम बताना है, अकाउंट नंबर बताना है, और आपको बैंक का IFSC कोड यहाँ पर इंटर करना है। इस तरह से आपकी सभी डिटेल इंटर कर लेने के बाद आपको दोस्तों शो पेपर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शो पेपर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेपर कोड और पेपर के नेम देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो भी BSc बायोलॉजी में सब्जेक्ट चलते हैं वो सभी आपको यहाँ पर उनके नाम और कोड देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको शो फीस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शो फीस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लगने वाली फ़ीस की जानकारी देखने को मिल जाती है, यानी कि दोस्तों आपको 2965 रुपये BSc बायोलॉजी में फ़ीस लगेगी। इसके बाद दोस्तों 150 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन की चार्ज लगेगा और 56 रुपये आपको पोर्टल फीस देनी होगी। इस तरह से दोस्तों आपको टोटल 3171 रुपये लगेगा, यानी कि 3171 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। और दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट लगानी है आपको 12th की, और इसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र साथ में एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट और डिटेल फिल करनी है, और इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है और कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। बस दोस्तों इस तरह से आप MP भोज यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इस तरह से अपना एडमिशन करवा सकते हैं BA BSc या BCom में MP भोज यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।